सो है गाइस, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी को हमारे और एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले कि आप किस तरह से Realme एंड Oppo डिवाइस के अंदर गाइस यार कस्टम इफेक्ट को ऐड कर सकते हो। गाइस अगर आपके भी फोन पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन दिया है तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा गाइस, लाइक जैसे Realme का फोन यूज कर रहे हो या फिर गाइस आप Oppo का फोन यूज कर रहे हो तो गाइस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे गाइस जो इफेक्ट देखने को मिलते गाइस वहां पर आपको 15 से 20 इफेक्ट देखने को मिलते। गाइस 15 से 20 तो यार मैंने काफी ज्यादा बोल दिया, गाइस आपको 5 या 10 इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं गाइस और वहां पर आप अपने से कस्टम इफेक्ट्स को ऐड नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले कि आप किस तरह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे गाइस आप कस्टम इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हो, वो भी अनलिमिटेड एंड बैक टू बैक चेंज भी कर सकते हो। तो दोस्तों यार पूरी प्रोसेस बताऊंगा वीडियो में, तेरा आपने वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखो गाइस, वीडियो को स्किप नहीं करना। बट गाइस अगर आप एक भी पार्ट को स्किप कर देते हो तो गाइस आप अपने Realme एंड Oppo डिवाइस के अंदर कस्टम इफेक्ट्स ऐड नहीं कर सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज सर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल पे आएगा बेल आइकन उसको भी ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो गाइस मेरा नाम है अर्जुन और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल अर्जुन राजवंशी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस बेसिकली इस फीचर को एनेबल करने के लिए देखिए आपको क्या करनी है। गाइस आप अभी जो वीडियो देख रहे हो गाइस टाइटल पे क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन ओपन होगा, वहां पर मैंने थीम स्टोर का लिंक दे रखा है सबसे पहले, तो आपने उसको डाउनलोड कर लो। बट गाइस यहां पर डाउनलोड करने से काम नहीं होगा गाइस, वो जो थीम स्टोर गाइस वो इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, अब क्यों नहीं इंस्टॉल होगा गाइस वो मैं आप सभी को आगे बताऊंगा और किस तरह से इंस्टॉल करना है गाइस वो भी मैं आप सभी को आगे बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए गाइस आप लोगों ने क्या करनी है यहां पर, या जैसे आप थीम स्टोर को डाउनलोड कर लेते हो उसके बाद गाइस आपको क्या करनी है, फाइल मैनेजर को ओपन करना है एंड फोल्डर को सिलेक्ट करना है जहीं भी आप यार थीम स्टोर को रखे हो। अब इधर क्लिक कीजिए, इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए, इनवैलिड पैकेज आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस इस प्रॉब्लम को किस तरह से फिक्स करना है देखिए, अपने थीम स्टोर पर लॉन्ग प्रेस कीजिए, ऐप इन्फॉर्मेशन के अंदर आए, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, अनइंस्टॉल अपडेट करके इसको ओके कर दीजिए, बस हो गया। एंड उसके बाद गाइस आपको क्या करनी है, फिर से फाइल मैनेजर के अंदर आना है, उसके बाद गाइस इसको दोबारा इंस्टॉल करना है। गाइस ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा, कोई भी इनवैलिड पैकेज नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी देर वेट करते गाइस ये प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे इंस्टॉल हो जाते हैं उसके बाद एक बार इसको ओपन कीजिए एंड एग्री टू कंटिन्यू पे क्लिक करके गाइस इस एप्लीकेशन को परमिशन दे दीजिए। गाइस ये टोटली चाइनीज वर्जन है तो बट कोई नहीं गाइस, यार काम चलाना पड़ेगा। तो गाइस ये देखिए गाइस यहाँ पर ओपन हो चुका है। एंड उसके बाद गाइस आप लोगों ने क्या करनी है, सबसे पहले गाइस आप लोगों ने अपने फोन के सेटिंग के अंदर आना है। एंड जैसे सेटिंग के अंदर आओगे गाइस इधर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद गाइस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर इधर क्लिक करना है। एंड जैसे आप इधर क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पर देखो गाइस इधर आपको नीचे पे काफी सारे गाइस यहाँ पर देख पर इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जिसको कि गाइस आप इजिली यार यूज कर सकते हो अपने फोन पे। ठीक है, तो गाइस देखिए यार बेसिकली इसको यूज करने के लिए गाइस आप लोगों ने क्या करनी है, गाइस सिंपली यार आपको इस पर टैप करनी है। एंड जैसे आप इधर टैप करोगे तो गाइस यहाँ पर ये आपका जो स्क्रीन है टोटली ब्लैक हो जाएगा, थोड़ी देर वेट करनी है। एंड गाइस उसके बाद आप यार जिसको भी अप्लाई करना चाहते हो तो सिंपली गाइस सर उस पर एक बार टैप कर दीजिए। एंड उसके बाद गाइस जैसे आप उस पर टैप कर दोगे नीचे गाइस आपको एक अप्लाई का ऑप्शन दिखाई देगा, तो सिंपली इधर आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड गाइस ये जो है गाइस पेंडिंग होगा, थोड़ी देर यहाँ पर डाउनलोड होगा एंड भाई उसके बाद ये सक्सेसफुली आपके फोन पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर वेट करते हैं। एंड गाइस अब यार ये अप्लाई हो चुका है। ठीक है गाइस, जब मैं अपने फोन को लॉक करूंगा तो गाइस ये अप्लाई हो चुका होगा। ठीक है, बट गाइस मैं यहाँ पर लॉक नहीं करता हूँ, गाइस अगर लॉक कर दूंगा तो गाइस ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ये ऑफ हो जाएगा। तो गाइस इसी तरह आप चेंज कर सकते हो, फिर आप इधर क्लिक कीजिए। एंड यहां से अगर आप किसी भी इफेक्ट को लगाना चाहते हो तो सिंपली उस इफेक्ट को सिलेक्ट कीजिए। एंड गाइस फिर से वही प्रोसेस करना है गाइस, अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करके गाइस यार इसको डाउनलोड करके गाइस आपने इसको अप्लाई कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हो। एंड अगर अच्छा लगा तो गाइस एक लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल पे आएगा बेल आइकन उसको भी ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो।